हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सक्यूटिव ऑर्गन, एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट। इससे पहले तीन अपन ने डिस्कस किए थे, वन इज द प्रोटोजोआ मींस अमीबा, पोरीफेरा मींस स्पंजीज, सिलेंटेटा मींस इसमें आया था हाइड्रा। अब था फोर्थ फाइलम इज द नेक्स्ट वन। फोर्थ फाइलम बताओ क्या हो सकता है, अपन यदि कंटिन्यूस वे में 11 फाइलम की बात करें तो फटाफट मेरे साथ बोलिए। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीअल्मिथीज, एस्केल्मिथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। कोडेटा में पांच क्लास जल्दी से बोलिए। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वर्ड्स एंड मैमल। मैमल में अपन आते हैं तो अपन बहुत बाद में आने वाले हैं, सबसे पहले आ चुके हैं तीन। अब फोर्थ वन इज द प्लेटीअल्मिथीज। प्लेटीअल्मिथीज ये देखिए क्या है। प्लेटीअल्मिथीज और एस्केल्मिथीज दो डिस्कस करेंगे अपन इस लेक्चर में। प्लेटीअल्मिथीज में कौन कौन आता है एग्जांपल बताओ। इसमें एग्जांपल प्लेटीअल्मिथीज में आएगा, एक तो आएगा टेप बॉर्म, टीनियासोलियम आता है इसको, टीनियासोलियम। और इसी में दूसरा एग्जांपल टेप बॉर्म के अलावा लिबर फ्लूक्स और प्लेनेरिया, ये है टेप बॉर्म हो गया। एक फ्लैट बॉर्म होता है, तो इनमें देखिए क्या हो रहा है, मोस्टली बॉर्म आते हैं इनमें, ठीक है। प्लेटी वर्ड से मीन है, प्लेटी मीन्स फ्लैट बॉडी, फ्लैट होगी, और हेल्मिथीज का मतलब होता है बॉर्म, बॉर्म लाइक थ्रेड लाइक बॉडी होगी, फ्लैट बॉडी और थ्रेड लाइक बॉडी होगी। दीज एनिमल आर प्लेस्ड इन द प्लेटी हेल्मिथीज। अब इनमें एक्सक्यूटी ऑर्गन और एक्सक्यूटी प्रोडक्ट देखिए इनका, इन सभी का। इनमें एक्चुअल में एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, अभी तक अमोनिया चला रहा है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा तीनों में अमोनिया था, इवन प्लेटीअल्मिथीज में भी अमोनिया आ गया। तो ऑलमोस्ट आप, मैंने कहा ना शुरू के जो फाइलम है उन सभी में अमोनिया है, और ज़्यादातर ये मैराइन होते हैं, कुछ एक्सेप्शनली पैरासाइट हैं जिनमें इंडोर फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपन ने कहा कि इसका अमोनिया है, तो एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट तो अमोनिया हो गया, अब इसको रिमूव कैसे करें, रिमूव्ड बाय। अब इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल है, रिमूव्ड बाय फ्लेम सेल, और इसी को सोलेनोसाइट भी कहते हैं, सोलेनोसाइट। इसको एक नाम और देते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, इतने नाम से जाना जा रहा है भाई, सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल एंड प्लेटीअल्मिथीज में इतने, ये एक्सक्यूटिव ऑर्गन है इसका। अब देखिए फ्लेम सेल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लेम सेल में देखिए तो ऑफकोर्स इसमें फ्लेम जैसा दिखता होगा, इस सेल जनरली देखिए किस टाइप की सेल है ये। इसमें देखें अपन तो यहां पर ये फ्लेम सेल है, ये देखिए फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इसकी डक्ट होगी। अब इसमें क्या होता है, ये सेल एक्चुअल में वन सेल है, यहां तक एक सेल है, इसकी ये डक्ट है, समझिए ये सेल है। अब इस सेल में फ्लेम क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस टाइप का देख रहा है, तो ये फ्लेम नहीं है, इसको नहीं नाम देंगे फ्लेम, ये तो बॉडी है एक्चुअल में, इसकी जो बॉडी टाइप है मींस इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये इसके प्रोसेस हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी की तरफ है, थोड़ा लार्ज होता ही है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस है। अब आया समझ में, पूरी एक सेल है। इस सेल में सिलिया होते हैं, देखिए सिलिया,
यहाँ पर। तो ऐसा नहीं लग रहा, ये जो सिलिया है, इन सिलिया से क्या निकल रहा हो? सिलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, मीन्स सिलिया, सिलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लेम सेल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि फ्लेम सेल क्यों है ये। अब इसमें देखिए क्या होगा, एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल होगी, सेकंड सेल हुई है, और सेकंड सेल की फिर से डक्ट हुई इस टाइप से, ये ठीक है, और भी होगी, ये डक्ट, दूसरी सेल आ गई, ये देखिए। तो अब इससे क्या होता है, इससे एक डक्ट बन जाती है पूरी, ये देखिए, ये इसका पोर है, दिस वन इज द पोर, राइट। ये मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है, मीन्स इसको पहले इसमें देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहां पर एक्सक्रीटरी, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट, ये बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है। तो इस बॉडी कैविटी से देखिए क्या कलेक्ट होगी, अमोनिया सेल में आएगी, फिर यहां से कलर थोड़ा दूसरा दे देते हैं इसको, देखिए अमोनिया है, ठीक है, यहां से इस सेल में आएगी, सिलियरी मूवमेंट से इस डक्ट में आएगी, मेन डक्ट में आएगी, और इस मेन डक्ट से ये ओपनिंग है, इससे बॉडी से अमोनिया बाहर निकाल दी जाएगी, ये एक्चुअल में इसकी बॉडी सरफेस है, दिस वन इज द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस है। तो अब क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ द फ्लेम सेल बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं पूरा, वो कलेक्ट करते हैं अमोनिया को बॉडी कैविटी से, देन कम्स इन द मेन डक्ट, एंड मेन डक्ट ओपन एट द बॉडी सरफेस थ्रू एन ओपनिंग, एंड रिमूव आउट द अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अमोनिया को हटा दिया गया। अब इसमें क्या होता है वो देखिए, सेकेंड पार्ट इसमें जो आएगा वो क्या है, ये इसकी ओपनिंग है, दिस वन इज द ओपनिंग। अब कुछ फ्री लिविंग, फ्री लिविंग प्लेटिहंतीज होते हैं, तो जो फ्री लिविंग प्लेटिहंतीज हैं, जैसे फ्लैट बॉर्म, मीन्स यहाँ एग्जाम्पल की बात करें इन, या फ्री लिविंग फ्लैट बॉर्म, ये फ्लैट बॉर्म होता है, इसमें नंबर ऑफ फ्लेम सेल ज़्यादा होता है, मोर। ऐसा होने से क्या होगा, इनका जो यूरिन है ये डाइल्यूट होगा, यूरिन या डाइल्यूट यूरिन है, क्यों है भाई, क्योंकि इसके साथ में वाटर भी रिमूव होगा अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए, तो इनका यूरिन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट कंपेयर देन इंडोपैरासाइट, कंपेयर देन इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में कौन आएगा, टीनिया सोडियम, टेप बॉर्म, तो ये थोड़ा एडिशनली याद रखें, इसमें डायरेक्ट याद रखो, कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। फ्लेम सेल रिमूव करेगी अमोनिया, केस कौन सा है, प्लेटिहंतीज, और एग्जाम्पल याद रखिए, सोलेनोसाइड भी नाम देते हैं। अब प्रोटोनेफ्रिडिया कब नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया तब नाम देते हैं कि जो बॉडी ऑर्गन्स या सिस्टम हैव नॉट ओपनिंग, ये कब नाम दिया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, बॉडी ऑर्गन्स
मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, तब इसको अपन नाम देते हैं। वो कैसे, देखिए, इंटरनल ओपनिंग ना हो मीन्स व्हेन इंटरनल ओपनिंग एब्सेंट, तब इसको नाम दिया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। बट इसमें भी इतना याद नहीं रखना है, आप तो सीधा याद रखिए प्लेटेलमिटिस, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया, रिमूव्ड अमोनिया बाय द पोर्स बॉडी सरफेस से, दैट्स क्लियर। प्लेटेलमिटिस हुआ। अब प्लेटी के बाद में नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ वन, फोर्थ क्लियर हो गए, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटी। अब फिफ्थ वन क्या, एस के हेल्मिंथीज इज इक्वल टू नेमेटोड, इसको नेमेटोड अभी नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल कौन आएगा, राउंड बॉर्म मीन्स एस्केरिस, ये कॉमन है इसमें, राउंड बॉर्म इज इक्वल टू एस्केरिस। अब देखिए इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है और एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी अमोनिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर से अभी तक अमोनिया है, पांच तक, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी, एसके, अमोनिया, और इसको रिमूव करना होगा। रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होगा जिसके थ्री ऊपर रिमूव करेंगे, रिमूव्ड बाय वाय, इसमें आता है रेनिट सेल, और इसको एच शेप्ड सेल भी नाम देते हैं। रेनिट सेल एच शेप्ड होती है। ये देखिए कैसे बॉडी से रिमूव करती है अमोनिया को। इसमें चूंकि सेल है, ये सिंगल सेल है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये सेल और इस सेल की ये बॉडी है, दिस वन इज द बॉडी ऑफ सेल, ठीक, ये बॉडी ऑफ सेल है, और इसमें क्या होता है कि इस बॉडी ऑफ सेल के बाद आप देखेंगे यहां पर कि इसमें इस तरह की कुछ डक्ट भी है, ये अब इसका शेप एच जैसा बनने वाला है। देखिए कैसे, ये इसकी मेन डक्ट है, इसमें ओपनिंग होती है, ये इस वाली डक्ट में ओपनिंग नहीं है, ये ब्लाइंड होती है, ये भी ब्लाइंड है, और ये ओपनिंग इसकी भी ब्लाइंड होती है। ये देखिए ये है एक्चुअल में एच शेप्ड सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, दिस वन इज द सेल बॉडी, और इसमें बीच में ट्रांसवर्स डक्ट भी होते हैं, ये ट्रांसवर्स डक्ट, ओके, सिंपल डायग्राम। तो देखिए ये मेन एक्सक्यूटिव डक्ट, ये मेन एक्सक्यूटिव डक्ट है, इसमें ये ओपनिंग है, एक्सक्यूटरी ओपनिंग बोलते हैं इसको, ये एंटीरियर एक्सक्यूटरी डक्ट और आर्म भी कहते हैं इसको, ये दोनों के दोनों, ये और ये, दिस एंड दिस, बोथ आर द पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी डक्ट, और ये चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट नाम भी देते हैं इनको, ये ट्रांसवर्स डक्ट है, ये
दीज आर द ट्रांसवर्स डक्ट। अब देखिए इसमें किस तरह से बॉडी से एलिमिनेशन होता है अमोनिया का। तो ये देखिए बॉडी कैविटी होगी, ये बॉडी सरफेस है, दिस वन इज द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस, और ये अंदर बॉडी कैविटी है। तो बॉडी कैविटी से अमोनिया डिफ्यूज होगी, सेल के अंदर आएगी, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगी और इस अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या निकला, एच सेव्ड, दैट इज कॉल्ड रेनेट सेल। तो रेनेट सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेनेट सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द एस्केल्मिथीज। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्लेटीएल्मिथीज। दो ऑर्गन यहाँ पर दो सेल के थ्रू हुआ, इज इट क्लियर। दिस इज अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लेटीएल्मिथीज एंड एस्केल्मिथीज। ओके, नाउ बी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे अपन एस्केल्मिथीज के बाद क्या आ रहा है, एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा अप टू द कोडेटा।